आज जीएसटी काउंसिल की 22वीं मीटिंग थी। और कई विषय थे इस मीटिंग के एजेंडा पे जो काउंसिल के सामने कंसिडरेशंस के लिए थे। जीएसटी को इम्प्लीमेंट किए हुए पहली जुलाई से लगभग 3 महीने पूरे हुए हैं और पहले 2 महीनों की जुलाई और अगस्त की रिटर्न्स भी फाइल हुई हैं और इसलिए अलग अलग ट्रेड्स पर, व्यवसायों पर इसका क्या असर है और इस पूरे परिवर्तन में, ट्रांजिशन में किसके सामने क्या क्या अनुभव आए हैं, ये एक चर्चा करने का अवसर था। मीटिंग से पहले भी कई ट्रेड्स ऐसे थे जो लोग आकर अपने रिप्रेजेंटेशंस देते थे और कई राज्यों ने भी उसके संबंध में हम लोगों को रिप्रेजेंट किया था। उसमें एक प्रमुख विषय था स्मॉल स्केल सेक्टर का और एक प्रमुख विषय था एक्सपोर्ट्स का। इसके साथ साथ कई ऐसे प्रोडक्ट्स थे, गुड्स और सर्विसेज, जिसको रेट्स को लेकर भी कुछ लोगों के रिप्रेजेंटेशंस थे। इसके साथ साथ जो कलेक्शंस हुए हैं अभी तक 2 महीने के, उनको भी एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना इसका एक अनुभव था। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी जो पैटर्न होगा कलेक्शंस का, इस 2 महीने से पूरा स्पष्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये ट्रांजिशन का फेज है और इस ट्रांजिशन के फेज में जिनके पास पहली जुलाई से पहले पुराने स्टॉक्स थे तो उसका वो ट्रांजिशन क्रेडिट क्लेम करते हैं और एक बार वो व्यवस्था समाप्त होगी तो जो पोस्ट जीएसटी रेजीम में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे या बिकेंगे या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, केवल उसका जो रेवेन्यू होगा वो उससे एक पैटर्न उभर कर सामने आएगा। और इसलिए जैसा मैंने कहा कि पहला प्रमुख आइटम जो आज की मीटिंग में हम लोगों ने कंसिडर किया वो एक्सपोर्टर्स के संबंध में था और एक्सपोर्टर्स के संबंध में जो मूल समस्या थी कि एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेशन तो लगता नहीं है क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको टैक्सेस तो एक्सपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि उससे एक्सपोर्ट नॉन कम्पेटिटिव हो जाते हैं। एक्सपोर्ट्स को दुनिया के बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, कंपटीशन करना पड़ता है और इसलिए एक कमेटी सेक्रेटरीज की बनी थी जिसमें स्टेट्स के और सेंटर के ऑफिशियल्स थे, जिसकी रिकमेंडेशन कंसिडर की गई और यह आया कि जो एक्सपोर्टर्स का क्रेडिट है उसका काफी ब्लॉकेज हुआ हुआ है जिससे उनकी कैश लिक्विडिटी के ऊपर असर पड़ता है। उसका डेटा तो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है
लेकिन उसकी जो तुरंत रिफंड व्यवस्था है वो इलेक्ट्रॉनिकली धीरे धीरे बन रही है। उस व्यवस्था को बनने में कुछ समय लग सकता है और इसलिए यह तय हुआ कि क्रॉस एम्पावरमेंट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के ऑफिशियल्स दोनों एम्पावर्ड रहेंगे और इमीडिएटली तुरंत, आज 6 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर से जुलाई के महीने का और 18 अक्टूबर से अगस्त के महीने का रिफंड्स प्रोसेस करके उन एक्सपोर्टर्स को उनके चेक्स दे दिए जाएंगे। ये केवल एक इंटरिम व्यवस्था होगी और एक कमेटी की रिकमेंडेशन थी जिसने एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सजेस्ट किया है और वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इस बेस पे है कि जीएसटी में एग्जेम्पशन तो होता नहीं है, तो फिलहाल और इसलिए एक ई वॉलेट हर एक्सपोर्टर का बनेगा। उस ई वॉलेट में एक नोशनल अमाउंट उसको एडवांस रिफंड की दृष्टि से दिया जाएगा। और इस क्रेडिट के माध्यम से जो उसकी प्रोडक्ट्स का आईजीएसटी या जीएसटी देना है वो लोग देंगे और जो उनको रिफंड इवेंचुअली मिलता है उससे वो ऑफसेट हो जाएगा। ये प्रयास किया जाएगा कि ये ई वॉलेट की व्यवस्था जल्दी से जल्दी, प्रेफरेबली 1 अप्रैल 2018 से इनिशिएट कर दी जाए, एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कंपनी इसको डेवलप करेगी और तब तक जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनके जो फ्यूचर एक्सपोर्ट्स होंगे वो एक नॉमिनल जीएसटी 0.1% के ऊपर मर्चेंट एक्सपोर्टर्स अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो एग्जेम्पशन उनको दिया जा रहा है एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग एडवांस ऑथराइजेशन एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ईपीसीजी एंड 100% ईओयू टिल 31/3/18। तो इसके तीन हिस्से हैं, जो पुराना है जुलाई अगस्त का उसका तुरंत रिफंड दे दिया जाएगा, फ्यूचर एक्सपोर्ट्स 31 मार्च तक जो वो करेंगे उस एग्जेम्पशन तक करेंगे जिसमें वो एक नॉमिनल 0.1% देंगे और उसके बाद प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी, प्रेफरेबली बाय 1 अप्रैल 2018 ये ई वॉलेट की व्यवस्था तुरंत एस्टैब्लिश कर दी जाए। इसकी जितनी भी और डिटेल्स हैं, इसके कई और छोटे आइटम्स हैं, वो नेट के ऊपर डाल दी जाएगी। जीएसटी का जो अगर पैटर्न हम लोग देखें तो अभी तक जो पेमेंट पैटर्न है, कलेक्शन पैटर्न है, उसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं सब्सटैंशियल टैक्सेशन उनकी तरफ से आता है, जो स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर्स हैं
नॉमिनल या निल टैक्स, निल की कैटेगरी भी बहुत बड़ी है, वो उनकी तरफ से आता है। और छोटे लोगों पे क्योंकि टैक्स का बर्डन कम है लेकिन कंप्लायंस का दबाव ज्यादा है। ये सभी मेंबर्स ने जो रिप्रेजेंटेशन आई थी उसके बेस के ऊपर इसको एग्जामिन किया था, और इसलिए हम लोगों ने एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन इसका किया और इसकी एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की है जिसमें जो लार्ज टैक्स, जिसके पक्ष यह है कि जो मेजर टैक्स कलेक्शन है लगभग 94-95% जो बड़े प्लेयर से आता है उसका एकदम फ्लो बढ़ता रहे। दूसरा, जो मीडियम और स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स नेट में रहे ताकि टैक्स बेस बढ़ता रहे, लेकिन उनका कंप्लायंस बर्डन हम लोग रिलैक्स कर दें। और इसलिए कुछ प्रमुख निर्णय इस संबंध में किए गए। जो कॉम्पोजिशन स्कीम है जिसकी एलिजिबिलिटी 75 लाख रुपए की टोटल टर्नओवर तक थी, उसमें हमारे पास थोड़ा हेड स्पेस था क्योंकि कानून में 1 करोड़ रुपए की का प्रावधान है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम का दायरा आज बढ़ा दिया गया है और कॉम्पोजिशन स्कीम अब 75 लाख के स्थान पर 1 करोड़ तक जिसकी टर्नओवर है वो लोग कर सकते हैं। इस कॉम्पोजिशन स्कीम में 3 प्रकार के लोग आते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं वो 1% टैक्स देंगे, यानी 1 करोड़ तक की टर्नओवर होगा तो केवल 1% टैक्स देना पड़ेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 2% देना पड़ेगा, और जो रेस्टोरेंट बिजनेस में है उनको 5% देना पड़ेगा। तो कॉम्पोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ा दिया गया है। एक दूसरा निर्णय हम लोगों ने लिया कि अभी तक जो टोटल टैक्स पेयर बेस है जिसमें लगभग 72 लाख पुराने असेसीज थे जो माइग्रेट किए हैं, और लगभग 25-26 लाख नए असेसीज जुड़े हैं। अब इनमें से स्वाभाविक है सभी टैक्स नहीं देते, निल टैक्स देने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है इसमें से, लेकिन इन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। इसमें से लगभग 94-95% टैक्स जो बड़े असेसीज हैं उनसे आता है, और जो छोटे असेसीज हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है, और ये वो लोग हैं जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपया या उससे कम है, 1.5 करोड़ और लेस, और ये एक मास टैक्सपेयर्स का है। इनमें से लगभग 15.5 लाख वो हैं, 15.5 लाख जो 1 करोड़ से कम है और जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम को स्वीकार किया है। अब कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको 3 महीने में एक बार यानी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है, और क्वार्टरली अपना 1% 2% या 5% जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं टैक्स देना पड़ता है।
उसी प्रकार से यह तय हुआ कि जिनकी 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर है, 1.5 करोड़ की टर्नओवर है और इसमें लगभग 90% एसएससीज कवर हो जाएंगे जो आउटसाइड द कॉम्पोजिशन स्कीम है, वो अब मंथली रिटर्न के स्थान पर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करें। जो 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले हैं वो पुरानी व्यवस्था के मुताबिक जीएसटी 1, 2, 3, 3B सब उसी हिसाब से फाइल करते रहेंगे मंथली। और इस तरीके से जो स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर है जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है उसका कंप्लायंस बर्डन दो तरीके से कम हुआ कि 1 करोड़ से छोटे वाला कंपोजिशन में जा सकता है, वो भी क्वार्टरली है और नॉमिनल टैक्स दे सकता है, और अगर वो आईटीसी का बेनिफिट लेना चाहे इनपुट टैक्स क्रेडिट का तो वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकता है। इसके साथ साथ कुछ विषय ऐसे थे जो कुछ मेंबर्स ने रेस किए जिसको लेकर काउंसिल में काफी डिस्कशन था, अलग अलग मत थे लोगों के कि ये जो पहला विषय जो ये 1 करोड़ रुपया काउंट होगा तो क्या इसमें टैक्स पेमेंट की दृष्टि से केवल टोटल टर्नओवर देखी जाएगी या इसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स बाहर किए जा सकते हैं। जैसे कोई ग्रोसरी शॉप चलाता है, अब ब्रांडेड आइटम पे वो 5% देता है लेकिन जो खुला आटा चावल बेचता है उस पे 0 टैक्स है, तो टैक्स किस वो जो 1% देगा अगर ट्रेडर है तो वो एग्जेम्प्टेड गुड्स भी उस 1% में आएंगे कि वो बाहर रहेंगे। अभी तक पुराने वैट रिजीम में भी और प्रेजेंट रिजीम में भी वो उसमें गिने जाते हैं, तो अगर उससे मुक्ति मिल जाती है तो फिर उसका कंप्लायंस और सरल हो जाता है। दूसरा एक विषय कई सदस्यों ने रेज किया कि क्या कॉम्पोजिशन स्कीम में जो लोग आए हैं उनको इंटरस्टेट सेल्स अलाउड है कि नहीं, अभी कानून उसकी अनुमति नहीं देता, तो क्या इसमें परिवर्तन सोचना चाहिए। और तीसरा जो ये 2% मैन्युफैक्चरिंग में टैक्स देते हैं तो क्या इनको 2% के हिसाब से इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं। अब ये विषय थे जिनको डेप्थ में एग्जामिन करने की जरूरत है। और एक जीएसटी काउंसिल की तरफ से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फाइनेंस मिनिस्टर्स होगा स्टेट्स का, वो इसको अर्जेंट बेसिस पे एग्जामिन करेगा और 2 सप्ताह में 2 वीक्स में अपनी रिपोर्ट देगा। इसी जीओएम को एक चौथा विषय भी सौंपा गया है क्योंकि एक प्राय शिकायत भी मिली है और लोगों का सदस्यों का इंप्रेशन भी था कि जो रेस्टोरेंट्स हैं जो 1 करोड़ से कम वाले टर्नओवर के होंगे, जो पहले 75 लाख से कम वाले, वो तो 5% कॉम्पोजिशन में आते हैं, जो उससे बड़े हैं जो एयर कंडीशन है वो 18% टैक्स लेते हैं, वो आईटीसी क्लेम करते हैं, लेकिन क्या उस आईटीसी क्लेम के साथ उन्होंने अपना रेट कम किया है कि नहीं किया। और इसलिए इन रेस्टोरेंट्स के टैक्सेशन सिस्टम को रिविजिट किया जाए
क्या इसका टैक्स कम करने की आवश्यकता है जीएसटी, या अल्टरनेटिवली उसको कम कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को आईटीसी का लाभ नहीं मिल रहा तो वो भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते फिर, तो इसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो, ये यही जीओएम, ये चौथा विषय भी रेस्टोरेंट्स का स्टडी करेगा। इसके साथ तीन विषय ऐसे थे जिनमें से दो बिल्कुल टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं। एक है ईवे बिल कब से लागू किया जाए, ईवे बिल कर्नाटक में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शुरू हो चुका है, उनका अनुभव काफी पॉजिटिव है, तो धीरे धीरे 1 जनवरी के बाद जैसे ही उसकी टेक्नोलॉजी एक्सपैंड होती है और स्टेट्स में जाएगा, और कोशिश होगी कि 1 अप्रैल तक इसको पूरा लागू करने की कोशिश की जाए। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो व्यवस्था है कि जब कोई रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड से खरीदता है, इस पे टैक्स एक्चुअल आउटगो नहीं होता, लेकिन उसको पहले उसकी डेबिट एंट्री देनी है और फिर उसको रिवर्स करना है इनपुट क्रेडिट से, तो इसको लेकर क्योंकि कुछ छोटे व्यापारियों में भ्रम फैला है, तो इसकी वर्किंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए 31 मार्च 2018 तक इसको डेफर किया गया है। एक इसमें डिसीजन है कि पर्संस प्रोवाइडिंग एनी एग्जेम्प्टेड सर्विस सच एज एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स विच इंटरेस्ट ऑन विच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड आर एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनकी टर्नओवर 20 लाख से कम है उनको इंटरस्टेट सर्विस से एग्जेम्प्ट किया जाता है। इसके कई उदाहरण है, जैसे आप लोगों को एक प्रोफेशन में ही कि अगर कोई यहां बैठकर आर्टिकल लिखकर बैंगलोर के किसी पेपर में भेजता है तो वो जो पेमेंट आएगी उसको कर्नाटक में रजिस्टर करना पड़ेगा, तो इंटरस्टेट सर्विस है तो उससे उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है। कई कंसल्टेंट्स होंगे इस प्रकार से। टीडीएस और टीसीएस के जो प्रोविजंस हैं उनको भी 1 अप्रैल 2018 से ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। एक इसमें निर्णय था कि रिक्वायरमेंट टू पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज डिस्पेंस विद फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़। इसमें जीएसटी सिर्फ एट द टाइम ऑफ सेल दिया जाएगा। कुछ आइटम्स रिवाइज्ड रेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के थे जो आज की मीटिंग में आए थे। कई आइटम्स जिनका टैक्स रेट फिटमेंट कमेटी ने रीविजिट किया था, ऐसे लगभग 27 आइटम्स हैं।
जैसा मैंने कहा कि हमने जो पहले फिक्स किए थे दे वर फिक्स्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस कि पहले वैट रिजीम में क्या लगता था. अब उस वक्त क्योंकि एक्साइज डिस्गाइज्ड होता था और छुपा होता था तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि इस पे कितना टैक्स है. जैसे और धीरे धीरे वो आइटम सारे 28% में आते थे. जैसे पिछली बार हमने कहा कॉपी बुक, ज्योमेट्री बॉक्स, अम्ब्रेला, रबर बैंड्स, ये पुराने डिस्गाइज्ड एक्साइज में 28% में आते थे तो इसलिए इनको हम लोगों ने कम किया था. इसी तरह इस बार भी कुछ आइटम्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं उसको कम किया गया है. लेकिन मैं आपके बेनिफिट के लिए उसको पढ़ देता हूं. स्लाइस्ड ड्राइड मैंगोज 12 से 5% किया गया, खाखड़ा एंड प्लेन चपाती 12 से 5 किया गया, ये जो ICDS के जो बच्चों के फूड पैकेट्स जाते हैं स्कूल्स में ये 18% था पुरानी रेजिम में, उसको 5% किया गया. अनब्रांडेड नमकीन 5%. बारह को पांच किया गया. अनब्रांडेड आयुर्वेदिक मेडिसिन 12 से 5. प्लास्टिक वेस्ट 18 से 5. रबर वेस्ट 18 से 5. पेपर वेस्ट 12 से 5. एक बहुत प्रमुख आइटम है यार्न, मैडमेड यार्न जो 18% था उसको 12% किया गया है. और इसका टेक्सटाइल के ITC पे काफी प्रभाव पड़ता है. कई इस प्रकार के स्टोन्स हैं जो फ्लोरिंग में इस्तेमाल होते हैं, मार्बल और ग्रेनाइट को छोड़ के, जैसे एक कोटा स्टोन है और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कई तरह के पत्थर हैं, वो सब 28 में थे, 18 में आए गए हैं. स्टेशनरी के बहुत सारे आइटम्स थे जो 28 में थे, क्लिप्स हैं और उस तरह के अलाइड आइटम है, सब 28% थे पुरानी डिस्गाइज रिजीम में, सब 18 में लाए गए हैं. डीजल इंजन्स के जो पार्ट्स हैं 28 से 18 लाए गए हैं. पंप्स के जो पार्ट्स हैं 28 से 18. ई वेस्ट जो है उसको 28 से 5 किया गया है. उसी प्रकार से सर्विसेज में ये जो जॉब वर्क करते थे जरी का, उसको 12 से 5 में लाया गया है. जॉब वर्क के कई आइटम्स हैं, इमिटेशन ज्वेलरी के, फूड आइटम्स हैं, प्रिंटिंग के आइटम्स हैं, उन सबको 5% में लाया गया है. जॉब वर्क आइटम्स को, जॉब वर्क्स 12 to 5. ये जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग हाई एलिमेंट ऑफ लेबर,
जैसे पिछली बार ये सारे 18% के थे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के, और 18% में से हम लोगों ने 12% कर दिए थे, तो जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो तो 12 में रहेंगी, लेकिन जैसे इरिगेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल कम होता है, लेबर कंपोनेंट ज्यादा होता है, हाई लेबर कंपोनेंट वाले उनको 5% पे किया गया है इन ऑर्डर टू कंटेन द कॉस्ट ऑफ दोज प्रोग्राम्स। इसकी एक डिटेल लिस्ट इसके अलावा कई चेंजेस किए गए हैं लीजिंग ऑफ व्हीकल्स के संबंध में, क्योंकि लीजिंग पे वही रेट लगता था जो व्हीकल के ऊपर लगता था, तो उसको अबेटमेंट के उसको करके उसको 65% कर दिया गया है। लीजिंग के जो लीजिंग चार्जेस होते हैं ओल्ड व्हीकल, दिस इज ओनली टू टेक केयर ऑफ ट्रांजिशनल केसेस, तो उसमें जो उसका जो लीजिंग चार्ज है उसमें से 35% अबेटमेंट होगा इंक्लूडिंग सेस अमाउंट, सो द टोटल अमाउंट का 65% विल बी चार्ज्ड, एप्लीकेबल जो रेट होगा उसका 65% 35% अबेटमेंट मिल जाएगा जो पुराने लीज कॉन्ट्रैक्ट है 1/7 से पहले वाला, क्योंकि उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्होंने ली नहीं थी, दैट वाज द इश्यू। और इसमें जो एक बड़ा सवाल था कि व्हाट शुड बी द फ्यूचर गाइडेंस टू द फिटमेंट कमेटी, फिटमेंट कमेटी आगे कैसे चलेगी, क्या एडहॉक बेसिस पे रेट्स तय होंगे या कोई पैटर्न होगा, तो उसका एक कॉन्सेप्ट पेपर जिसपे कई स्टेट्स ने अपने कमेंट्स दिए थे उनके कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके उसको आज काउंसिल ने अप्रूव किया है। और जैसे ही आगे रेवेन्यू बढ़ता है और रेवेन्यू न्यूट्रलिटी की सिचुएशन देखते हुए फ्यूचर रेट्स विल बी टेलर्ड अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट पेपर। ये ब्रॉड निर्णय थे आज की, इसमें अगर कुल मिला के कहें लंबी मीटिंग थी, दिन भर चली, और रेवेन्यू इंप्रूव हो एक वो कंसिडरेशन था, और दूसरी तरफ एक रेवेन्यू का पैटर्न स्टडी करके कि जहां जहां कन्वीनियंस क्रिएट की जा सकती है ताकि ट्रांजिशन टैक्स सिस्टम का स्मूथ रहे, ये एक प्रयास आज की मीटिंग के अंदर हुआ है। इट लेज डाउन द प्रिंसिपल्स, द कॉन्सेप्ट पेपर विल ले डाउन द प्रिंसिपल्स, द प्रिंसिपल्स आर नॉट बाइंडिंग बिकॉज यू कैन ऑलवेज मेक एक्सेप्शन कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ वन इंडस्ट्री और द अदर इन माइंड, बट दीज आर अ जनरल गाइड। This indicates a future approach. देखिए return filing में the experience of the August returns has been much better than that in July. And secondly, now अब जो pattern आएगा, क्योंकि monthly return तो बहुत थोड़े लोगों की रहेगी, अधिकतर लोगों की क्वार्टरली होगी, और उसमें भी दो कैटेगरी होंगी, एक कॉम्पोजिशन होगी एक नॉन कॉम्पोजिशन होगी, तो अब फेजिंग करने का भी एक आपको अवसर मिल जाएगा, तो एवरीबडी नीड नॉट एंड ऑन द सेम डे, ऑल द थ्री कैटेगरीज विल ऑब्वियसली एंड ऑन डिफरेंट डेज। Their credit will have to be adjusted quarterly then. Now, actually, what we have decided is ki, because there will be a mismatch, there will be some monthly filers and there will be quarterly filers. So, if there is a credit of monthly filer vis-a-vis monthly filer, no problem. The other one, in the other case, we will allow him we will not stop that. And it so can be matched later. It can be matched later on. But we will allow the credit to a regular filer, monthly filer. In his GSTR2, he can deflect it.
some of those credits which are missing in his return. So to the big ones, we will not stop any credit. You see, you can broadly take it that in terms of quantum of tax, 90 to 95% of the tax will still be monthly. About 6-7%, maybe 10%, maximum 10%. Means big cut definition, if you are doing 1.5, then 10% are above 1.5. 90% are below 1.5 crore, turnover-wise. So 90% of the taxpayers will be now filing quarterly return, and that also the tax also will be paid by them quarterly only. That's the decision. Not only they'll be filing a quarterly return, the small ones will also be paying tax. One thing which may be kept in mind, that the quarter which started on 1st of July, July, August and September, even for the small ones, the monthly returns will have to be filed. The switchover will take place from the 1st of October. Kyunki September wali bhi aajkal file ho rahi hai. तो ये कंटिन्यू करेगा तो ये क्वार्टर जो था ये चलेगा और ये जो क्वार्टरली पे शिफ्ट हम लोग किए हैं ये फर्स्ट अक्टूबर ऑनवर्ड्स की जो रिटर्न्स होंगी या सो द चेंज इज कि जो नई स्कीम है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग की 1-3 का दैट विल ऑपरेशनलाइज फ्रॉम अक्टूबर विच मीन्स के 3 months ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर उसका रिटर्न क्वार्टरली फाइल करेंगे जनवरी में. In the meantime, जो 3B फाइल करना है छोटे वाले को भी और बड़े वाले को भी वो सब दिसंबर तक चलता रहेगा 3B. And the GSTR 1, which is now open, जुलाई का, that will continue till 10th of October. So उसमें अभी कोई relenting नहीं है. So all the small people should not think there is no more filing required now. We want to complete one cycle of July for big and small everybody, so that there is an experience they get. कि मंथली रिटर्न में कैसे फाइल करना है, मैचिंग कैसे हो रहा है. तो जुलाई का रिटर्न जो 10 अक्टूबर तक करना है वो तो उनको करना ही है. उसके बाद अगस्त और सितंबर का क्या करना है, कब फाइल करना है जीएसटीआर 1-3, उसका अलग टाइम टेबल हम बताएंगे बाद में. So अभी दीज आर ऑल परमानेंट मेजर्स. दीज आर ऑल प्रेजेंट. दिस इज रेगुलर. देयर इज नो आउटर टाइम लिमिट. Yes, a notional credit. Sir, जो बड़े taxpayers हर महीने tax pay करेंगे, क्या वो GSTR 2B और GSTR 1 एक साथ दिसंबर तक करेंगे? नहीं, बड़े taxpayer को तो फिर 3B once we come into the regular cycle, 3B will stop for the big ones. क्योंकि अभी तो हम लोग जुलाई साइकिल चला रहे हैं ना 1-3 का. उसके बाद अगस्त सितंबर का खत्म होगा फिर. सो अप टू दिसंबर 3B will also continue for big ones. बड़े वालों को तो वैसे ही चलेगा जो चल रहा है. नहीं, I'll tell you what. The previous scheme of advance authorization, EPCG and EOU scheme. Now under which they were allowed to import goods or buy goods from domestic sources without payment of duty. Now that we plan to continue till 31st of March. So there will be no payment of duty on that. They will be exempted. So when they buy their inputs, either locally or when they import it, there will be no tax to be paid on it. The only thing we are saying now is separate. Earlier in merchant exporters case also, there was a complete exemption. Now we are saying ki merchant exporters, when they buy from domestic supplier and export, for merchant exporter only, there will be a nominal tax of 0.1%. And that also we are putting, because the supplier to EOU will be able to claim refund of the same. If we exempt them, then the supplier to merchant exporter will not be able to claim refund. It will not be zero rated. So that's why we are putting this on the merchant exporter. Right now the situation was in the last 3 months, if merchant exporter has to export, he will have to pay full tax of the commodity and then take a refund. Now merchant exporters are working on a thin margin. So it was not affordable to them. So for merchant exporter, this will be a big relief. So that is the change. Will be effective from for the exporters?
we will, as soon as the notification comes into being, we'll notify all these dates. So we'll have to come out with notification, and that notification may take 3, 4, 5, 1 week at the most. So after that, it'll be operational. Yeah, that's what we are saying. Ki big ones ke hi jyada invoices hote hai, to big aur big ka to adjust ho jayega. Aur jo chote wale se unhone buy kiya hai, uska wo khud entry karenge GSTR 2 mein. GSTR 2 hai na, usme there is a scope for putting a self entry. Okay. So he will put a self entry ki bhai maine inse kharida hai aur itna mera input tax credit aa raha hai, wo hum maan lenge. We won't dispute it. Right? So unka to return complete ho jayega 1 2 3. So they will not be, their credit will not be blocked in respect of small taxpayers. No, that's not a GST issue. So it didn't come up. So you petroleum is outside the GST council. So there was no plan to bring it inside. Sir, ek sawal GST council se alag hatkar hai. Abhi sarkar ne ek faisla liya hai ki gems and jewelry sector ko PMLA se bahar kiya jaye. Jo 2 mahine pehle notification aaya tha usse direct lane ke liye. Iske piche kya wajah hai? Kya soch rahe hain sarkar ne isko bahar? Isme aisa hai ki there was a lot of misunderstanding about this notification, because the idea was that under PMLA, just as banks are reporting entities, insurance companies are reporting entities, we wanted to declare jewelers also as a reporting entity for suspicious transactions. Now, so the notification was only in respect of that. But then some people inferred it in such a way that to them also the limit of 50,000 rupees, which was a limit applied to banks. Banks were supposed to report all cash deposit transactions of more than 50,000 rupees. So it was understood by jeweler ki bhai 50,000 rupees se upar ka agar koi transaction hai, to we have to do full KYC and report it. So there was some confusion about it. Actually, the limit is not 50,000. We'll have to decide a limit for them. Okay, what should be the reporting limit for them? So right now, in order to sort of not create a panic in the market, there were incongruities in what we notified and what people understood. So we have just, for the time being, withdrawn the notification. We'll be reissuing it with very clear-cut guidelines. So abhi filhal usko humne wo kar liya. Sir, kya kisi ke khilaf action liya gaya hai PMLA mein? Kiska? Isi notification aaya tha. Ye PMLA action nahi hai bhaiya. Ye keval reporting entity thi. Jo us notice ke aadhar par galat fehmi फैलाई गई, मुझे लगता है आपको भी पहुंच गई वो गलत फहमी। पीएमएलए तो हिंदुस्तान के हर नागरिक पे लागू है अगर वो कानून तोड़ता है, तो इस नोटिफिकेशन की वजह से तो लागू नहीं हुआ वो। सर, शेल कंपनी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, जो 13 बैंकों ने जो डेटा दिया 1800 फर्जी कंपनियों को लेकर, उस पर आपका कमेंट किया था, कैसे लोगों ने नोटबंदी आज यार इसको जीएसटी तक सीमित रखी। सर, ब्रांडेड एंड ब्रांडेड सीरियल प्रोडक्ट्स को लेकर कुछ कंफ्यूजन, वी विल अनाउंस द टुमारो डे आफ्टर वी अनाउंस। अब ये जीएसटी का सवाल पूछो। You see, as I've said, the pattern of collections will emerge once the transitional phase gets over.